अस्सलाम वालेकुम, इस सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। हमेशा की तरह आज डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबा रानीपुरा का रानीपुरा में वारिद हो गई है, और जाहिर सी बात है एलजी साहब खुद इनकी कोशिशों की वजह से जो कम्युनिटी फैसिलिटी सेंटर आर्टिजन्स के लिए इनॉग्रेट हो रहा है, तो उसके सिलसिले में मैडम काफ़ी बड़ी बात है और इलाके के लिए काफ़ी खुशखबरी है। व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? बहुत खुशी की बात है कि इस इलाके में कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया है हम लोगों ने, जिससे इस इलाके आर्टिजन्स को इर्द गिर्द के 10 गांवों को इन कॉमन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा मिलेगा। 650 आर्टिजन जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, उम्मीद है जितने भी कैचमेंट एरियाज़ हैं आने वाले वक्त में कुछ महीनों में ये तादाद हज़ारों में बढ़ेगी, और आर्टिजन्स जो यहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर है चेन स्टिच और क्रूल के, वो इन कॉमन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा के अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं, बेहतर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। मैम, एलजी साहब का खुद आना और फिर आपके एफर्ट से ये जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर यहाँ पे आर्टिजन्स के लिए बन रहा है, इसमें जो आपका क्राफ्ट है उसको उरूज मिलेगा, कितनी बड़ी बात है? आपने खुद ही बताया कि उरूज मिलेगा। पहली बार इस इलाके में ऐसा कोई फैसिलिटी सेंटर बना है। कोई फैसिलिटी सेंटर जब बनता है, सड़क, बिजली, पानी, बाकी फैसिलिटीज़ खुद ब खुद उस गांव के कोने तक पहुंचती है। ये इस सरकार की कोशिश है कि हर गांव में लोग अपने ही जो हुनर है उसको अवेल करें फैसिलिटीज़ को, और यहां पे ही अपने घर में, अपने गांव में बैठ के अपनी रोज़गार, अपनी आमदनी और बेहतर करें। एक आखिरी सवाल मैम, कोई खास बात जो यहाँ के आर्टिजन, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पे कहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट्स का जो इमर्ज होना और केम इनटू बीइंग होना वो इसी इलाके से हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे जो आर्टिजन है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, ना तो ये आर्टिजन कभी किसी से सीखे हैं, ना तो किसी कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइनर से सीखे हुए हैं, एक पैदाइशी हुनर है, और इस हुनर को जम्मू कश्मीर में न सिर्फ पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जाना जाता है कश्मीर क्राफ्ट के। इस हुनर को ज़िंदा रखना, इन आर्टिजन्स को बेटर वेजेस देना, ये हमारा मकसद है। मैम, सामने हो सियासत, हम सियासत की बात ना करें, मैम इलेक्शन के बारे में आपका इरादा है, हो सकता है यहाँ पे? वो इलेक्शन कमिश्नर आपको बता सकते हैं बेहतर। शुक्रिया। शुक्रिया। ये थी डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबा, चेयरपर्सन है जो खादी विलेज बोर्ड। Thank you.